हेलो दोस्तों, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मौसम काफ़ी ठंडा हो रखा है, 9 जनवरी का टाइम है, -4 है टेम्परेचर, लेकिन फील लाइक -8 है। हल्की हल्की हवा चल रही है ना, जिसके कारण कुछ दिनों से मनाली में काफ़ी ठंड बढ़ गई है, ख़तरनाक ठंड बढ़ रही है। रात को -12 हो जाता है और पानी जो गिरी हुई रहती है वो लगभग फ्रीज हो जाती है, जम जाती है, तो सूखा ठंड गिर रहा है। बहुत सालों के बाद मनाली में जनवरी का महीना आ गया, लेकिन बर्फ़ नहीं गिरा है। जो प्रॉपर मनाली है या सोलंग वैली है, बर्फ़ नहीं गिरा। यही स्थिति रही और बर्फ़ नहीं गिरा तो सेब का फसल अच्छा नहीं होगा, काफ़ी नुकसान होने वाला है, क्योंकि बर्फ़ गिरती है तभी सेब की फसल अच्छे होते हैं। इधर ये है, अच्छा लोकेशन है, इधर ही रहता हूँ। इधर आगे की तरफ रेजिडेंशियल एरिया इधर ही है, रहने के लिए ऊपर की तरफ आना पड़ता है। ये कहलाता है न्यू मनाली का एरिया। माल रोड से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। सेब के ये पेड़ हैं, पत्ते छोड़ दिए हैं क्योंकि बर्फ़बारी चालू होती है, पत्ते गिर जाते हैं। अप्रैल में जाके इसमें पत्ते और फिर फूल आना इसमें फिर चालू होंगे। अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा मार्केट की तरफ, क्योंकि जो धूप है वो लगभग रहेगा 2:30-3 बजे तक, अभी तक धूप है। थोड़ी देर बाद धूप वो चली जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बेटी है, बेटी भी जा रही है खेलते हुए, इसको भी शायद उधर चॉकलेट चाहिए। क्या चाहिए बेटा तुमको दुकान में, क्या चाहिए आदमी को, क्या चाहिए बोलो? डेरी मिल्क। डेरी मिल्क चॉकलेट चाहिए। अच्छा, बेटी को डेरी मिल्क चॉकलेट चाहिए। तो जा रहा हूँ थोड़ा मार्केट की तरफ, क्योंकि जैसे जैसे शाम होगा फिर ठंड बढ़ जाएगी, फिर घर से बाहर निकलने का फिर वो मन नहीं करेगा। और बादल हैं हल्के हल्के, ऊपर दिख रहा होगा, हो सकता 2 दिन बाद संभावना है बर्फबारी होने की, तो हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है मौसम कि कुछ कहा नहीं जा सकता। उधर हल्का हल्का धुंध है, उस तरफ साफ नहीं दिखा रहा है, पहाड़ है ना, हल्के हल्के धुंधले दिखाई दे रहे हैं। हवा चल रहा है ख़तरनाक वाला, हल्का ठंडा हवा भी चलता है ना, ये हिल रहे हैं झंडे, पता चल रहा होगा। तो ठंडी हवा चलती है तो ठंड दुगुना हो जाता, तो दुगुना हो गया है ठंड बिल्कुल यहाँ पर। और ये है हेडक्वार्टर 38 BRTF, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का ये हेडक्वार्टर है मनाली का। खाली खाली है बिल्कुल ये रास्ता, टूरिस्ट गायब हो गए हैं मनाली से, क्योंकि बर्फ गिरी नहीं। बर्फ रहती थी तभी भीड़ थे, बर्फ है नहीं तो ज़्यादा टूरिस्ट फिलहाल तो है नहीं। इधर हैं छोटे छोटे मार्केट इस तरह के, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ज़्यादातर तो होटल हैं, एक दो किराने की दुकान है, और आगे कुछ वेजिटेबल शॉप्स हैं, थोड़ा बहुत ही है। मेन मार्केट तो मनाली माल रोड के पास मनु मार्केट भी है, ये वाला मार्केट तो नहीं है वैसे। हाँ, कुछ दूध लेना है तो जा रहा हूँ उधर ही, बगल में ही दुकान है, दूध लेके आते हैं। दूध ख़त्म हो गया था, ठंड है तो ज़्यादा चाय पीना होता है, तो दूध तो चाहिए ही। ये आ गए हैं मार्केट के पास, दूध ले लेते हैं यहाँ से, यहाँ दूध मिलता है, सब्जियों की भी दुकान है और राशन पानी दूध भी मिलता है, तो ले लेते हैं यहीं से, तो ले कर चलेंगे। और आनवी को क्या चाहिए बेटा, डेरी मिल्क चाहिए? चलो ठीक है, डेरी मिल्क ले लेना। तो अब ये शॉर्टकट से जा रहे हैं कमरे पे, मेन रोड को छोड़ दिया हाईवे को। हाँ बेटा, अच्छा लॉन्ग कट, ओके। इधर से जाएंगे ऊपर की तरफ और ऊपर से फिर रूम की तरफ चले जाएंगे। शरीर चढ़ चढ़ के बेटी थक गई, ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ है ये पूरा न्यू मनाली वाला एरिया, इस तरफ माल रोड तो उधर अभी काफ़ी दूर है। और यहाँ पर इस तरह का ये हिमाचली घर, एक घर इधर ही बना है, आगे भी कुछ घर बने हुए हैं। तो फिर और आगे की तरफ चलेंगे, हरियाली ख़त्म हो गई है, थोड़ी थोड़ी है बस। इधर भी कुछ पुराने घर बने हैं, मुश्किल से 3-4 घर ही होगा मिला के यहाँ पर, बाकी फिर से खेत है उसी तरह के जैसे नीचे की तरफ। अच्छा ओके, रन
1 2 3 1 2 3। ये छोटा सा मैदान आ गया, बेटी दौड़ रही है इसके ऊपर। मैदान तो मिलते नहीं समतल इस तरह के, छोटा सा मैदान है ये बिल्कुल। बच्चों को खेलने के लिए तो मैदान चाहिए, तो मैदान तो बस कहीं पर ही मिलते हैं, पहाड़ में कहाँ मैदान मिलेगा। रन 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 रन, 1 2 3। नीचे दादी कटिंग कर रही है, सेब का पेड़ है, जो टहनी टूट जाते हैं फिर उसे जलावन के रूप में यूज करते हैं। नीचे वो टहनी टूट रखी है, ठंड तो आने ही वाला है तो जलावन के रूप में तो यूज हो ही जाएगा। चलते हैं घर के पास, घर अब पहुंचने ही वाले हैं। मुश्किल से चलूंगा एक मिनट ना तो घर के पास पहुंच जाऊंगा। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट अगले फ्रेश ब्लॉग में।